Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, the richest lady networker of India. Friends, पर एक बात बता दूं, जितना साल मुझे लगे ना सफलता पाने के लिए, अब हिंदुस्तान में लोगों को उतने साल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि एक तो यंग इंडिया आ गया है, यंग इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में उतर गया है, और जब ये यंगस्टर्स को समझ में आ गया है नेटवर्क मार्केटिंग, तो फिर तो बस दिन दूनी रात चौगनी, देश तरक्की कर रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। जितने भी लोग कर रहे हैं, जो ये अपने 25-25, 26-26 साल की उम्र में जो लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं ना, किस सोच के साथ कर रहे हैं, वो सोच आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आज का जो मेरा ये सेशन है, ये एड्रेस कर रहा है यूथ को, ये हमारे देश के जवान को। देखिए, हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, यहाँ की मीडियन एज देखा जाए तो 28 ईयर ओल्ड है। अगर 15 साल से 24 साल तक की पॉपुलेशन देखी जाए तो लगभग 18% पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 18% पॉपुलेशन 15 साल से 24 साल तक की उम्र की है। तो हिंदुस्तान एक यंग कंट्री है, पर ये यंगस्टर्स कर क्या रहे हैं 15 साल से 24 साल की, जब 18% पॉपुलेशन है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट एज होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली एज होती है, सबसे ज़्यादा एंथुजियाज़म वाली एज होती है, उस एज का बच्चा हमारे देश में करता क्या है? पढ़ाई, पढ़ता है, अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करता है। किस भविष्य के लिए? कहीं किसी के लिए नौकरी करनी है, कहीं किसी और के सपनों पर काम करना है, किसी और को सक्सेसफुल बनाना है और खुद के सपनों को पूरा करना है। फ्रेंड्स, कुछ हार्ड फैक्ट हैं जो हमें समझने होंगे, थोड़ा बदलना होगा। देखिए, हिंदुस्तान को बदलना तो होगा। डेवलप कंट्रीज़ में हमने सुना है बच्चे 18 साल के होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, वो अपनी इनकम से वो पढ़ाई करते हैं। हमारे देश में हमने कपड़े पहनना सीख लिया विदेशों से, हमने उनके जैसा उठना बैठना पार्टी करना सीख लिया, पर उनके जैसा कमाना हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। हम आज की तारीख में भी 24-25 साल की उम्र तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, पेरेंट्स पर डिपेंड करते हैं, पेरेंट्स ही हमारी पढ़ाई पर खर्चा करते हैं, उन्हीं से हम अपनी शौक मौज के लिए भी पॉकेट मनी लेते हैं, और फिर हम अपने करियर में लगते हैं। और आप सबको पता है नौकरियों का जो हाल है, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो फ्रेंड्स, कोई नौकरियां बहुत अच्छी ल्यूक्रेटिव तो नहीं हैं। आप जब शुरू करते हो जिंदगी के, वो कहते हैं ना, जवानी तो आप सेटल होने में निकाल देते हो, पैसा इतना कि भाई खुद का खर्चा तो खुद उठाने लगो, इस लायक बनते बनते भी ना वो प्राइम ईयर्स जो किसी एक की लाइफ के होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा सच है, पर दूसरी तरफ ये भी सच है कि जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लिया है, जिन्होंने समझ लिया है कि ये पढ़ाई के साथ साथ किया जा सकता है, जिन्होंने समझ लिया है कि किसी भी और कैरियर को परस्यू करने के साथ साथ किया जा सकता है, वो लोग एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री भी हो रहे हैं। तो जब कुछ लोग कर रहे हैं तो क्यों नहीं हर कोई इस बात को समझे, हर कोई बदले। तो आइए, इसी मकसद के साथ आज का ये सेशन है, हम चलते हैं कि क्यों हमारे देश के युवा को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने सपनों को शटर होने से बचाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। देखिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, तो मम्मी पापा क्या कह रहे होते हैं, बच्चों पढ़ लो, पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, पढ़ लोगे तो वो हो जाएगा, और पढ़ लोगे तो ये हो जाएगा, और बेचारा बच्चा अपना सारा बचपन खत्म करके लगा रहता है पढ़ने में, और नहीं पढ़ता है तो नंबर कम आते हैं, तो कैसी कैसी डांट पिटती है और क्या क्या घर में होता है, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट जब वो पढ़ लिख करके जब नौकरी के दौर में घुसता है, जब इंटरव्यू देने शुरू करता है, और जब नौकरी के लिए आगे पीछे कर रहा होता है, तब क्या होता है? सच तो यह है, मुझे ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी बच्चा जैसे ही अपने, कहते हैं ना, आजीविका में लगता है, बहुत सारे सपने उसके टूट जाते हैं। जितनी मेहनत करी होती है, जिस आशाओं के साथ मेहनत करी होती है, उन आशाओं पर ये आज की तारीख में जो आर्थिक परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो मंदी चल रही है, जो नौकरियों के हाल चल रहे हैं, तो सपने वहीं आकर के टूटते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कैरियर की शुरुआत हताशा से नहीं हो, आपके कैरियर की शुरुआत जो है वो एक इतने डाउनफॉल के साथ नहीं हो, इतने डिप्रेशन के साथ नहीं हो, तो भैया जैसे ही 17-18 साल के हुए, नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ो, 18 साल के होते ही नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू करो, फिर साइड बाय साइड डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी करना है करते चले जाओ। तो बिलीव मी, आप जब तक आपके दोस्त नौकरियां ढूंढ रहे होंगे ना, तब तक आप नौकरियां देने लायक हालत में आ सकते हो। तो अपने सपनों को टूटने से बचाने के लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है। देन नेटवर्क मार्केटिंग करना है एक्स्ट्रा इनकम के लिए। बिलीव मी, एक्स्ट्रा इनकम बड़ी प्यारी चीज़ है। पॉकेट मनी क्यों ले पेरेंट्स से, क्यों मांगे पापा मम्मी से? ये बात भी सच है, बच्चे लेते हैं, पर एक सर्टेन एज आने के बाद ना हमको अच्छा नहीं लगता, हमें अपने पेरेंट्स पर बर्डन बनना अच्छा नहीं लगता, हमें वो ऐसे हाथ करना अच्छा नहीं लगता।
हर कोई चाहता है कि मैं खुद की पॉकेट मनी खुद अर्न कर लूँ, पर हमारी कंट्री में क्या है, दूसरे देशों में जाओगे तो आप मैकडोनल्ड पे आराम से नौकरी कर लोगे, न्यूज़पेपर डाल लोगे, कुछ भी छोटे मोटे काम कर लोगे। हमारी इंडिया में थोड़ी नाक भी पेरेंट्स की ऊँची है, बच्चों को छोटे मोटे काम करने नहीं देते हैं और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं है, तो भैया बच्चा चाहता भी है तो कमा नहीं पाता है और फिर उसको अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी मांगनी पड़ती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग में पॉकेट मनी तो आप इस बिजनेस में आते हो, सही ढंग से काम करते हो, कुछ ही महीने लगते हैं, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, आपके एग्जाम भी हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट भी आ जाएंगे और साइड बाय साइड आप पॉकेट मनी के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करना बंद कर दोगे। तो अगर एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। देन कम्स अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, यानी खाली पॉकेट मनी नहीं कमानी है, अपने पापा को पॉकेट मनी देनी है, अपने पापा को उनकी पसंद की कार दिलानी है, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए लैपटॉप लाना है, मोटर बाइक लानी है, अपनी मम्मी को वो उनको जो डायमंड सेट पसंद था या वो जो वो 20,000 रुपये की साड़ी वो पसंद करके छोड़ आई थी ना, अगर वो दिलाना है ना, फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना है। इट्स एन अमेजिंग बिजनेस ट्रेंड्स। आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में करते हो ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, ये बहुत प्यारी बात है। और हम सब होना चाहते हैं सेल्फ मेड, हर कोई सेल्फ मेड होना चाहता है, बट आसान नहीं होता। हम पढ़ाई करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे जितनी भी उनकी जीवन की कमाई होती है, बचत होती है, वो बचत वो हमारी पढ़ाई के लिए लगा देते हैं, फिर हम उस पढ़ाई पे एक तरफ उधर खर्चा करा रहे होते हैं, दूसरी तरफ फिर जब हम इधर उधर आने जाने में शौक मौज पूरे करने में खर्चा करा रहे होते हैं, फिर अगर इंडिपेंडेंट हो भी जाते हैं, बिजनेस बिल्ड भी कर लेते हैं, किसी बिजनेस के लिए पापा मम्मी ने पैसा दे भी दिया या MBA BBA कराने के लिए भी पैसा डाल दिया, वो सेल्फ मेड की फीलिंग तो नहीं होती है ना। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं लोगों का है ना। क्या हो अगर आपको उनसे इन्वेस्टमेंट नहीं कराना पड़े, क्या हो आप खुद अपने पैसों से अपनी पढ़ाई करो, आप खुद अपने पैसों से अपना बिजनेस खड़ा करो। इट्स अमेजिंग। आप सोच करके देखो कि आप शुरू हुए, आपको भले डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या आपको कोई बड़ा सा कार शोरूम खोलना है, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस से पैसा कमाओ और उस पैसे को बचा करके और आप अपने पैसों से बिजनेस शुरू करो बड़ा सा। सेल्फ मेड होने का सुख जो है वो बहुत बड़ा है और वो सुख ये बिजनेस डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको दे सकता है। देन कम्स की अगर आप अपनी एनर्जीज को राइट चैनलाइज करना चाहते हो, फ्रेंड्स ये जो 15-16 साल से 25 साल तक की उम्र है ना, हमारे पास बहुत एनर्जी होती है और करने के लिए क्या होता है, बस सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। फिर वो जो बाकी की एनर्जी है उसका हम क्या करते हैं, उसे हम कहीं गलत चैनलाइज करते हैं, कहीं हम खाली शौक मौज में निकाल देते हैं, कुछ लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा होने लगते हैं, एग्रेशन में आ जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा देर TV इंटरनेट और गलत कंटेंट में पड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हो ना कि जो ये आपका गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है इसको सही तरीके से यूज़ करना, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आना है। आप उस एनर्जी को राइट जगह पे चैनलाइज कर देंगे, कंस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, पर्सनल ग्रोथ के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। और ये बिजनेस भी ना बड़ा नशा देता है, बिलीव मी, किसी और नशे की ज़रूरत नहीं होती जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं। ये बिजनेस में वो सक्सेस का नशा चढ़ने लगता है, वो पर्सनल ग्रोथ का नशा चढ़ने लगता है, आप अपने आप से प्यार करने लगते हो और आपकी एनर्जीज राइट डायरेक्शन में राइट तरीके से आपके लिए काम करने लगती हैं। उसके लिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग किया जाए तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। देन कम्स की एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको बहुत ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, आप चाहते हो आपकी एक बड़ी सी फैक्ट्री हो, दरवाज़ा रिमोट कंट्रोल से खुले, फिर आधे किलोमीटर तक कार चल करके जाए और फिर आपकी फैक्ट्री शुरू हो, या आपका 4 मंजिला बड़ा सा रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम हो, या कोई भी अगर आपने बिजनेस का ख्वाब कभी देखा है ना, तो जैसे ही आप 18 साल के होते हो तुरंत आपको नेटवर्क मार्केटिंग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी लॉस के एंटरप्रेनर बनना सिखा देता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेसफुली कर लेता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ना हम ही अपने बिजनेस के पियोन भी होते हैं और हम ही अपने बिजनेस के MD भी होते हैं, तो हमें वो साइकिल कंप्लीट करना आ जाता है बिजनेस का। फिर उसके बाद जब आप कोई भी बिजनेस करते हो वो बिजनेस सक्सेसफुली कर सकते हो। तो अगर आप एंटरप्रेनर स्किल डेवलप करना चाहते हो तो डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग करना है। देन कम्स अगर लीडर बनना है, देखिए जमाना लीडरशिप का है, आप किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के CEO बनते हो तो भी लीडरशिप ही काम आती है, आप किसी बड़े से बड़े बिजनेस में जाते हो तो भी लीडरशिप ही काम आती है, और तो और बीबी को संभालने के लिए भी, मियाँ को संभालने के लिए भी, घर परिवार को संभालने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए, हर काम के लिए ज़िंदगी में लीडरशिप काम आती है, बिल्डिंग में खुश रहने के लिए भी लीडरशिप काम आती है।
और ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, लीडरशिप डेवलप करना सिखा देता है। वो आपको एक अच्छा लीडर, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक डायनामिक पर्सन में कन्वर्ट कर देता है। तो पढ़ाई करो। देखो, मैं पढ़ाई को बिल्कुल कम नहीं समझती। मैं खुद डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मैंने अकाउंटिंग में PhD करी है, मैंने मेरे बेटे को MBA कराया है। तो हम पढ़ाई को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, पर पढ़ाई हमारी सारी एनर्जी नहीं काम में लेता है। हमारे पास डेफिनेटली टाइम होता है कि हम साइड बाय साइड अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करें, पर हमारे हिंदुस्तान में ना पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत सारे एवेन्यूज नहीं है। आप ये देखो, MBA, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी क्यों बनाया जाता है? अच्छे प्लेसमेंट के लिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जेन्युइनली कोई सिखाता ही नहीं है। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल की बात करो, आप पर्सनल स्किल्स की बात करो, इसकी जो भी क्लासेस है ना, वो बहुत महंगी हैं। अगर अच्छी हैं तो बहुत महंगी हैं, और फिर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ प्लेटफॉर्म ही ऐसा है, ऑटोमेटिकली आप में रेजिलेंस आ जाएगी, आप में पेशेंस आ जाएगी, आप में कम्युनिकेशन स्किल आ जाएंगी, आपकी पर्सनल स्किल डेवलप हो जाएंगी, आप एक करिश्मेटिक पर्सन के रूप में कन्वर्ट हो जाओगे। तो जैसे ही 18 साल का व्यक्ति होता है, उसके पेरेंट्स को, मैं तो कहती हूँ हिंदुस्तान के हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को धक्का देना चाहिए कि भैया जो भी करना है जिंदगी में, 18 साल के होते ही नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करना है। देन कम्स की अगर आप चाहते हो कि आपकी सेल्फ एस्टीम हाई हो, आप खुद को प्यार करो, आप में परसिस्टेंस, आप में ये जो वर्च्यूज होते हैं ना, जो सक्सेसफुल लोगों के जो वर्च्यूज होते हैं, जो हम पहले तो फिर भी कथाओं में, जातक कथाओं में पढ़ा करते थे, पंचतंत्र की कथाओं में पढ़ा करते थे, अब आजकल जो हम इंटरनेट पे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो उस पे ना इतना कंट्रोल नहीं है। पर अगर आप सचमुच वो सक्सेसफुल, अच्छे, आइडियल कहते हैं ना लोगों वाले वर्च्यूज अपने में अपनाना चाहते हो ना, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है। ये ऑटोमेटिक है, बाय डिफॉल्ट आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। वो आपको एक अच्छा इंसान बनने में मदद करते हैं। कंप्लीट मैन, एक कंप्लीट वुमेन बनना हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। देन कम्स की अगर आप अपनी फैमिली को नेक्स्ट ऑर्बिट पर लेके जाना चाहते हो, आप चाहे लोअर क्लास में पैदा हुए, चाहे मिडिल क्लास में पैदा हुए, चाहे अपर मिडिल में हुए, चाहे अपर क्लास में पैदा हुए, नेटवर्क मार्केटिंग कर लोगे ना, तो फैमिली को ऑर्बिट जम करवा पाओगे। नहीं तो होता क्या है, लोअर क्लास में पैदा हुए, लोअर क्लास में ख़त्म हो गए, या एक आध कोई लेवल का जंप हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग करके आज आप अपने खानदान में सबसे रईस बन सकते हो, आज अपने आप खानदान में सबसे ज़्यादा नामी गरामी बन सकते हो, सबसे ज़्यादा शोहरत आपके पास हो सकती है। तो अगर आप अपनी फैमिली को नेक्स्ट ऑर्बिट पर लेके जाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली आप पर प्राउड फील करे, तो डेफिनेटली आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है। देन कम्स की अगर आपको फन चाहिए, फन लविंग हो, घूमना फिरना पसंद है, शौक मौज पसंद है, पार्टी पसंद है, दोस्त पसंद हैं, पॉजिटिव लोग पसंद हैं, आप हर साल 2-3 विदेश यात्रा कर लेना चाहते हो, गाड़ियाँ पसंद हैं, कार अगर आपके लिए टॉय हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली करना चाहिए। इसमें इतना फन है, हम तो कहते ही हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिगेस्ट फ्रेंडशिप एसोसिएशन है। और आपको लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, आपको खुश मिजाज लोग मिलेंगे, आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट ही गाड़ियाँ मिलती हैं, घर मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स मिलती हैं, घूमने फिरने का मौका मिलता है, आपको देश के हर कोने कोने में जाकर के अपने बिजनेस को डेवलप करने का मौका मिलता है, किसी ने आपकी बाउंड्री नहीं बनाई होती। इट्स सो मच फन। अगर आप फन लविंग हो, टाइम फ्रीडम चाहते हो, अपने परिवार के साथ टाइम बिताना चाहते हो, खाली वो पैसा पैसा पैसे के पीछे भागने वाली मशीन नहीं बनना चाहते ना, तो डेफिनेटली आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है। देन कम्स अगर आप लाइफ में अनसर्टेनिटी खत्म करना चाहते हो। देखिए, अगर आप एक यंग गर्ल हो, आज आप पढ़ाई कर रही हो, आप पढ़ाई में लगी हुई हो और दिल लगा करके पढ़ रही हो, फिर आपका करियर सेट हुआ, मान लीजिए आपने काम करना कहीं शुरू किया, आपने जॉब करनी शुरू करी, आप जॉब कर रहे हो दिल्ली में, आपकी शादी हो गई नासिक में, क्या हो करोगे? छोड़ छाड़ के निकल लोगे? किसी एयरफोर्स, किसी डिफेंस पर्सन से होगी तो हर 2 साल में चेंज करोगी। आपने डॉक्टरी भी करी, आप डेंटिस्ट भी हो ना, और फिर अगर आपकी किसी एयरफोर्स पर्सन से शादी हो गई, आर्मी पर्सन से शादी हो गई, तो क्या करोगे? उनका ट्रांसफर होगा, उनके साथ साथ आप अपनी क्लिनिक उठा उठा के घूमोगे? आप कभी सेटल नहीं हो पाओगे। ऐसे ही जब नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हो, तो हमारा तो पोर्टेबल बिजनेस है, आपने अपने पीहर में किया और फिर जिस सिटी में आपकी शादी हो गई उस सिटी में ले गए, आपके हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, तो अच्छा है, जितनी ज़्यादा आपको शहरों में घूमने का मौका मिलेगा, उतने शहरों में आपका बिजनेस फैलता चला जाएगा। पोर्टेबल बिजनेस है ये। तो ऐसा नहीं है कि भैया अभी शुरू किया, मेरे साथ क्या हुआ था, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थी, मेरी शादी हो गई, शादी में जाने के बाद घर वालों ने कहा तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ करने की, तो बस सिर पे घूंघट और घर में घुस गई थी। अगर ये बिजनेस नहीं मिला होता तो अभी तक तुम्हें खत्म हो गई होती। ये होता है लड़कियों के साथ कि वो पढ़ती हैं, लिखती हैं, कुछ काम करना शुरू करती हैं, शादी खत्म होती है, कैरियर बदल जाता है,
फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो ना कि आपकी शादी के बाद लाइफ में इतनी अनसर्टिनिटी नहीं आए, तो शादी से पहले पहले 25-30-40 हज़ार रुपया महीना कमाने लगो नेटवर्क मार्केटिंग से। फिर शादी होगी ना, कोई आपको मना नहीं करेगा। एक तो पहले ही पोर्टेबल है, दूसरा भैया कमाती हुई बहू है, कौन कहेगा घर में बैठो। तो अनसर्टिनिटी अगर आप चाहते हो ना खत्म हो जाए, तो हर माता पिता को अपनी बेटी को जैसे कढ़ाई करना सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं ना, ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग सिखा देना चाहिए और उसमें ग्रो करा देना चाहिए। अगर आप यंग बॉय हो, अगर आप अभी शुरू हुए हो, भैया पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नौकरी पे जाओगे, रहना चाहते हो अपने पेरेंट्स के साथ, रहते हो दिल्ली, मम्मी पापा आपके यहाँ हैं, अच्छा सा घर है, सारे दोस्त यहाँ हैं, और आपकी नौकरी लगी बैंगलोर, क्या करना पड़ेगा? छोड़ छाड़ करके सब कुछ जाना पड़ेगा। रूट्स छोड़ देनी पड़ती है लड़कों को भी, सिर्फ अपनी आजीविका के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि जहाँ आपके दोस्त हैं, जहाँ आपकी बेस है, जहाँ आपकी जड़ें हैं, वहीं हमेशा रहना चाहते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। आप अपनी पसंद से जहाँ चाहोगे, 6 महीने गर्मियाँ हो तो लंदन रहना, सर्दी हो तो दिल्ली रहना, जिस कंट्री में चाहो उस कंट्री में जाना, अपना घर बनाना। अगर सचमुच पसंद की जिंदगी जीना चाहते हो ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग डेफिनेटली करना है। लाइफ स्टाइल लीड करना चाहते हो ना, स्टाइल से लाइफ, क्या ऐसी मजबूरी वाली, कॉम्प्रोमाइज वाली, नहीं। अगर लाइफ स्टाइल लीड करना चाहते हो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट गैजेट्स हो आपके पास, हर थोड़े समय बाद आप अपने फ़ोन अपग्रेड कर सको, आप अपने पसंद के कैमरे खरीद सको, पसंद के लैपटॉप ले सको। अभी क्या होता है, माँ बाप कहते हैं नहीं ये नहीं चलाना, नहीं बाइक नहीं चलानी, नहीं वो नहीं करना, इतने रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। फिर जब बंदा खुद नौकरी करने लगता है तो उसको और भी पैसे की कदर हो गई होती है। यहाँ भैया अभी आपकी शादी भी नहीं हुई है अगर, तो बहुत बढ़िया है, पैसा कमाने लगे हो, पैसा कमाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होंगी नहीं, खूब इन्जॉय करो। और जब तक शादीवादी हो, उससे पहले अच्छी सी लाइफ स्टाइल सेट करो, खूब सारा अच्छा पैसा कमाओ, लेके जाओ अपनी वाइफ को स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए, लेके जाओ अपने हस्बैंड को स्विट्जरलैंड घुमाने के लिए। नहीं तो ना, हिंदुस्तान, हर एक हिंदुस्तानी ख्वाब देखता है स्विट्जरलैंड के हनीमून के, और जाता कहाँ है, कुल्लू मनाली माउंट आबू। कितने लोग हैं जो स्विट्जरलैंड जाते हैं हनीमून के लिए, और कितने लोग हैं जो ख्वाब देखते हैं, ये अंतर देखो ना। अगर आप इस अंतर को ख़त्म करना चाहते हो, अगर सचमुच अपनी वाइफ को उसकी पसंद की जगह पर कह सको ना कि बस तुम उंगली रख दो ये दुनिया के नक्शे पे, जहाँ जहाँ कहोगी वहाँ तुम्हें हनीमून के लिए लेके जाऊँगा, अगर सचमुच ऐसा चाहते हो, या वाइफ खाली हस्बैंड वाइफ को लेकर के जाए, अगर आप एक लड़की हो, अगर आप शादी के बाद हस्बैंड को बोलो कि बताओ किस जगह पे जाना है, मैं लेकर के जाती हूँ, कैसा रहेगा? फ्रेंड्स, इट्स एन अमेजिंग बिजनेस, मेहनत ही है। मैं ये नहीं कह रही कोई लॉटरी लग गई है, ये नहीं है कि आज ये बिजनेस शुरू करोगे और करिए सब हो जाएगा, मेहनत है। पर हम में से फूलों की सेज पर वैसे भी तो कोई नहीं बैठा ना, क्यों सुनना है आपको वो शर्मा जी के लड़के ने कर दिया, वो वर्मा जी के लड़के ने कर दिया? क्यों नहीं आप चाहते कि आपके पापा मम्मी ये कहें कि आपसे अच्छा कोई बच्चा ही दुनिया में नहीं है? क्यों नहीं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है? क्यों अगर आज आप एक लड़की हो और शादी होकर के कहीं चली जाओगी, क्यों पीछे से अपने पापा मम्मी की चिंता करो? क्यों नहीं आप, है ना, 15-20 हज़ार रुपए की एक काम वाली, एक अच्छी ट्रेंड काम वाली इनके पास छोड़ करके जाओ, जो इनका ध्यान रखे। देखिए, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं जो पैसे से हल की जा सकती हैं। और अगर ये बात आप लोगों ने अर्ली एज में सीख ली, और ये जो आपके सबसे एनर्जेटिक ईयर्स चल रहे हैं, इन सालों में अगर आपने ये काम कर लिया, तो मेरी इस उम्र तक आते आते तो अरबपति खरबपति हो सकते हो। तो बस आपको दिल लगा करके करना है। सबसे बड़ी बात, अगर स्किलफुल इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, तो क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है। अपने देश में रह करके होता है, अपने देश की कंपनियों के साथ होता है, अपने देश के लोगों के साथ होता है, देश का पैसा देश में ही रहता है, और देश को ग्रो करते करते ये बिज़नेस ग्रो होता है, देशवासियों को आगे बढ़ाते हुए ये बिज़नेस आगे लेकर के जाता है। तो हमें कोई ब्रेन ड्रेन नहीं करना, हमें पैसा कमाने के लिए किसी और देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने ही देश में रह करके, अपने ही घर में रह करके, अपने ही शहर में रह करके, अपने अपनों के बीच ही रह करके, अपने अपनों के लिए, अपने अपनों के साथ ही, जब हम पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ इतना सारा पैसा कमा सकते हैं, तो हर यूथ को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, उनको ये वीडियो दिखाइए, और बस नेटवर्क मार्केटिंग की एक अच्छी सी कंपनी सेलेक्ट कीजिए और दिल लगा करके नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। बिलीव मी, हम तो थोड़ा लेट हो गए थे। मुझे जब नेटवर्क मार्केटिंग मिला, मैं भी बूढ़ी तो नहीं थी, मैं भी जवानी थी, पर जो ये यूथ की हम बात कर रहे हैं ना, अगर आज हिंदुस्तान का यूथ समझ लेगा, तो एक तरफ हिंदुस्तान का भविष्य सुनहरा होगा, दूसरी तरफ आप लोग एक बहुत अच्छी खुशनुमा हैप्पी लाइफ लीड कर सकेंगे। फ्रेंड्स, मेरा बेटा है 25 साल का है, मैं फुल टाइम इस बिज़नेस में आ गया है। अगर ये बिज़नेस अच्छा नहीं होता, तो मेरे पास इतना पैसा था, मैं उसे कोई फैक्ट्री खुलवा सकती थी, मैं उसे कुछ भी बड़े से बड़े चेन ऑफ रेस्टोरेंट खुलवा के दे सकती थी, कुछ भी करवा सकती थी, मेरा इकलौता बेटा है। पर अगर मैं उसे नेटवर्क मार्केटिंग में लेकर के आई हूँ, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग यूथ के लिए बहुत अच्छा है। आप भी समझ जाइए, कर जाइए, खुद भी जीत जाइए, परिवार को जिताइए और देश को जिताइए। लव यू अ लॉट, ऑल दी वेरी बेस्ट,
और अगर हमारे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.